महाराष्ट्र में समुद्री तटों, जंगलों, साहसिक पर्यटन के लिए ठंडी हवा वाले स्थानों जैसे पर्यटन के व्यापक अवसर हैं। जल पर्यटन ने भी हाल ही में इसमें जोड़ा है। महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक जयश्री भोज ने कहा कि राज्य पर्यटकों को राज्य में इस तरह के विविध पर्यटन अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं के साथ तैयार है। कोविड-19 के प्रकोप के कारण कई दिनों से बंद पड़े टूर अब फिर से शुरू हो गए हैं। MTDC के माध्यम से पर्यटकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं के बारे में मंत्रालय के अधिकारियों, कर्मचारियों और आगंतुकों को सूचित करने के लिए मंत्रालय के त्रिमूर्ति परिसर में एक सूचना और आरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। भोज ने केंद्र का दौरा कर निरीक्षण किया। केंद्र 24 तारीख तक चलेगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ में रेड कलर के बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि रोजाना देश विदेश की खबरें आप तक पहले पहुंच सके। साथ में आप अपने सुझाव को हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।